हेलो गाइस, आइए बात कर लेते हैं आज 5 जुलाई को SCERT लखनऊ में होने वाले धरने की कुछ लाइव अपडेट्स के बारे में। गाइस, आज समस्त अचयनित और योग्यताधारी OBC वर्ग के और SC वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने SCERT लखनऊ में धरना दिया हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं गाइस, कैसे उन्होंने पोस्टर वगैरह सब तैयार किए हुए हैं और भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसके संबंध में सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया गया। तो गाइस, कहीं ना कहीं OBC वर्ग के और SC वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों के साथ आरक्षण के मामले में बहुत ही बड़ा घोटाला किया गया है, जिसके कारण वे योग्यताधारी होते हुए भी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने से वंचित रह गए हैं। गाइस, ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खेद का विषय है। आप देख सकते हैं कि कैसे सभी अभ्यर्थी लगातार नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और गा गा कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और पूरा किया जाए, और जो योग्यताधारी अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित रह गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन्हें भी 22,000 सीटें फोर्थ काउंसलिंग में जोड़कर उन्हें चयनित होने का मौका दिया जाए ताकि उनका भी भला हो सके। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये उन अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है और सही भी है। सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए और 22,000 सीटों को ऐड करके फोर्थ काउंसलिंग करानी चाहिए ताकि ये सभी अभ्यर्थी जो योग्यताधारी होते हुए आज धरने पर बैठने को मजबूर हैं, लगातार नारे लगाकर गा गाकर पोस्टर तैयार कर करके सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे योग्यताधारी होते हुए भी आरक्षण का पूरा लाभ न मिलने से वंचित रह गए, जिसके कारण आज वे चयनित नहीं हो पाए हैं। तो इस संबंध में सरकार को सोचना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। तो गाइस, ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट SCERT लखनऊ में होने वाले धरने के संबंध में। गाइस, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये अपडेट पसंद आई हो और मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि आप सभी को पल पल की अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।